बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं सिंगापुरियन राइस। मज़ेदार सी रेसिपी है ये, आप लोग दावतों में भी रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी चिकन को बनाएंगे। यहाँ मैंने ली है 400 ग्राम चिकन और उसको इस तरह लंबे लंबे स्लाइसिस में कट कर लिया है। ये मेरे पास एक बंद गोभी ली है मैंने मीडियम साइज़ की, और ये गाजर है, और ये शिमला मिर्च। इस तरह इन्हें भी लंबे लंबे साइजेस में कट कर लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ चिकन बनाऊंगी, तो चिकन में मैं मसाले बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, इसी के साथ ये लिया है 1 टीस्पून काली मिर्चें, और यह 2 टेबल स्पून सोया सॉस है, और ये है 1 टेबल स्पून वोस्टरशायर सॉस। यहाँ पे ये मैंने 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। ये है 1/2 कप टोमेटो केचप, नॉर्मली जो यूज़ होता है, और ये 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप। ये है चिकन के मसाले जो हम चिकन के साथ बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ डालूँगी पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें हम पहले अपनी चिकन को अच्छी तरह से पका लेंगे, कुक कर लेंगे। इसमें सबसे पहले बस मैं चिकन डालूंगी। यहाँ मैंने गार्लिक का इस्तेमाल नहीं किया, लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया, लहसुन पाउडर लिया है। अगर आप चाहें तो लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे, फिर हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर डालेंगे। ये देखें, ये चिकन अच्छी तरह भून जाएगी इस तरह से। तो फिर हम इसके अंदर अपना लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। आप लहसुन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं लहसुन पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब हम चिकन को अच्छी तरह लहसुन पाउडर में भून लेंगे। ये देखें, ये हमारी चिकन इस तरह अच्छी तरह गल रही है। इसमें सिंगापुरियन राइस में सब चीज़ें अलग अलग बनती हैं। तो सबसे पहले ये मैं चिकन बना रही हूँ, उसके बाद हम वेजिटेबल्स बनाएंगे अपनी। तो ये अब हम चिकन हमारी वाइट हो चुकी है, देखें। इसमें अब हम काली मिर्चें, नमक, चाइनीज़ सॉल्ट नहीं यूज़ करते आप, तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, विनेगर। और ये अच्छी तरह हम इनको पहले पका लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर सोया सॉस और वोस्टर सॉस ऐड करेंगे। ये देखें, जब हमारी चिकन इस तरह हो जाए, अच्छी तरह मसाले हमारे हो जाए, तो हम इसके अंदर सोया सॉस और वोस्टर सॉस ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वैसे सिंगापुरियन राइस में इतनी स्पाइसी नहीं होती, लेकिन मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, आप लोग की चॉइस है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। अगर ना डालें कोई इशू नहीं है, यहाँ मैं अपनी चॉइस पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अगर स्पाइसी खाया जाता है आपके घर में तो आप डालें, नहीं तो रहने दें। इसके साथ जो हमने 1/2 कप केचप लिया था, जो भी केचप यूज़ करते हैं आप अपने घर में, वो डालें, और चिली गार्लिक भी डालेंगे हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून। दोनों केचप को हम डाल लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे फ्राइंग पैन में। अब ये मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारी है जो हम अपनी वेजिटेबल्स में डालेंगे। यहाँ मैंने वो 1/2 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ये ली है 1 टीस्पून काली मिर्चें, और ये 1/2 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट और 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और ये विनेगर है हमारे पास। अब हम अपने फ्राइंग पैन में हल्का सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसमें जो है हमारी सख्त वाली जो है वेजिटेबल्स, जैसे कि गाजर, और ऑयल में हम अपनी वेजिटेबल डालेंगे। सबसे पहले गाजर और शिमला मिर्च, क्योंकि ये इनको हमें थोड़ा नरम करना है, गलाना है। तो हम इसके अंदर इसको पहले मिक्स कर लेंगे, फिर इसके अंदर जो मैंने आपको मसाले बताए हैं वो डालेंगे हम। अब हम अपनी वेजिटेबल्स में जो हमने मसाले मैंने आपको बताए हैं वो डालेंगे हम इसमें, काली मिर्ची, सोया सॉस,
सोया सॉस डाला है मैंने। अब मैं इसके अंदर विनेगर डाल रही हूँ। ये हमारा जाएगा नमक। चाइनीज सॉल्ट की जगह मैंने आपको बताया चिकन पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर चाइनीज सॉल्ट ना डालें, ये आपकी चॉइस है, चिकन क्यूब आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये काली मिर्च, इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पैन को ढक के रख देंगे ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो नरम हो जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसके अंदर अपनी बंद गोभी जो हमने क्रश करके रखी हुई है वो डालेंगे। देखें, तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको ढक के रख दिया था, अब ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर रही हूँ। तमाम सब्जियों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बंद गोभी की इतनी ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, ये हमारी वेजिटेबल्स भी रेडी हैं। अब हमें इसके लिए चाहिए होता है एक सॉस, तो ये मैंने आधा कप मायोनीज लिया है, उसी के साथ ये 2 टेबल स्पून केचप, ये है इसमें सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्चें और ये हैं 1/2 टीस्पून काली मिर्चें। ये हम सॉस बनाएंगे इसका। तो इसमें मायोनीज में मैंने 1 कप मायोनीज है, इसमें मैंने ये काली मिर्चें, तकरीबन 1/2 कप जो है मैंने चिली गार्लिक लिया है, और ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून नमक, और ये है तकरीबन 1/2 कप चिली गार्लिक। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ये हमारा सिंगापुरियन राइस का सॉस तैयार हो जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करें आप। ये देखें, ये हमारा मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, हमारा सिंगापुरियन राइस का सॉस तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 250 ग्राम नूडल्स और ये जो है 500 ग्राम राइस, ज़ीरा राइस जैसे हम आम बनाते हैं, इस तरह आपने ज़ीरा राइस बनाना है। ये हमारी चिकन है, ये हमारी वेजिटेबल जो हमने अभी बनाई है, और ये हमारा सॉस। अब हम जो है अपनी सिंगापुरियन राइस को डिश आउट करेंगे। सबसे पहले हम इस पर अपनी राइस की लेयर लगाएंगे। जो नॉर्मली हम अपने घर में ज़ीरा राइस बनाते हैं, इसी तरह आपने राइस बनाना है, कोई इसमें चेंज नहीं है, इसलिए मैंने बनाना बताया नहीं है। ज़ीरा राइस तो आते हैं तकरीबन सबको बनाना, तो ये हम सबसे पहले ज़ीरा राइस की अपनी लेयर लगाएंगे। उसके बाद ये हमारी वेजिटेबल्स की लेयर लगेगी, एक वेजिटेबल की हम अच्छी पूरी लेयर लगा देंगे। आप इसके अलावा और जो वेजिटेबल आप लोग को जो पसंद हो वो भी यूज़ कर सकते हैं, सीज़न के हिसाब से जो वेजिटेबल्स आती हैं आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर ली है। ये हमारी वेजिटेबल्स की लेयर एक लगा देंगे। फिर हमने ये जो सॉस बनाया था मेयोनीज वाला, वो हम इसके ऊपर इस तरह गार्निश करेंगे। ये देखिए, मैं इस तरह लगा रही हूँ। इस तरह हम मेयोनीज वाला जो हमारा सॉस है वो गार्निश करने के बाद हम इस पर नूडल्स की एक लेयर लगाएंगे। यहाँ मैंने स्पैगेटी इस्तेमाल की है, आप कोई से भी, अक्सर जो है नूडल्स को जो है फ्राई करके भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ मैंने इसी तरह लिया है नूडल्स। नूडल्स की एक लेयर लगाएंगे। फिर इसके ऊपर हम अपने राइस, दोबारा से राइस डालेंगे और लेयर। इस तरह हम राइस की एक लेयर लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर वापस से अपना मायोनीज वाला सॉस डालेंगे। मायोनीज का एक और लेयर लगाएंगे और अब हम इसके ऊपर अपनी चिकन डालेंगे जो हमने चिकन रेडी की थी। थोड़े से नूडल्स और डालेंगे हम। नूडल्स की एक और लेयर इस तरह से लगाई मैंने। अब मैं इसके ऊपर चिकन डालूंगी, सॉस वाली चिकन। इस तरह पूरी एक लेयर लग जाएगी इसकी भी।
ये हमारी पूरी एक चिकन की लेयर लग गई है। अब इसके ऊपर मैं अपना मायनीज वाला सॉस डालूंगी दोबारा से। अच्छा, इसके ऊपर होता है भगार, होता है हरी मिर्चों का और लहसुन का। हरी मिर्चों का मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मैं हरी मिर्चों का भगार नहीं करी, यहाँ सिर्फ लहसुन का भगार करूँगी। तकरीबन एक से या दो जवे आप लहसुन के ले लें, उसे चॉप कर लें जिस तरह छोटे छोटे पीसेस में चॉप किया जाता है, और उसका हम भगार करेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन दो लहसुन के जवे लिए मीडियम साइज़ के, और जो है बिल्कुल हमने थोड़ा सा तेल लेना है, ज़्यादा तेल नहीं लेना है, 1 टेबल स्पून हो तेल। उसमें हम इसको अपने लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे जिस तरह भगार के लिए करते हैं, और फिर हम अपनी डिश के ऊपर इसका भगार कर देंगे। ये हमारे सिंगापुरियन राइस तैयार है। ये देखें, ये मैं भगार कर रही हूँ, बहुत मज़ेदार सी डिश है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, वीकेंड्स पर ट्राई करें, दावतों में ट्राई करें, बहुत मज़ेदार सी डिश है, आप लोग खा के मज़ा आ जाएगा आप लोग को। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दुआओं में याद रखें। आपकी कोई फरमाइश हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, हम ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।